हेलो नमस्कार, हम आ गए उबुद में, 6 साल के बाद बैक इन उबुद। बट अभी कोई तो होटल बुक कराया है जहाँ पे रोड ही नहीं है। सस्ता था, मतलब वहाँ पे 1000 रुपये का भी रूम था, बट मैंने 1400 रुपये वाला लिया है। आई थिंक यही है, लग तो सही रहा है। सही है, गुड परफॉर्मेंस, 1400 रुपये में काफ़ी शानदार रूम ब्रेकफास्ट के साथ। और ये बढ़िया वॉशरूम विद बाथटब, दो लोग होते तो काफ़ी किफ़ायती होता है, बट कोई बात नहीं। काफ़ी भीड़ है, आई थिंक कोई पूजा है आज। ये सरस्वती माता का मंदिर है यहाँ पे, वो पूरी जो हवन सामग्री होती है ना उसकी स्मेल आ रही है। तो ऐसे ही है, मंदिर के बगल से एक पाथवे बना हुआ है विच इज़ कॉल्ड रिज वॉक, कंपुहान रिज वॉक, आई थिंक 1.5 किलोमीटर का है। एज ऑलवेज सनराइज तो हुआ ही नहीं, बढ़िया है बट लोग नहीं है ना, तब से आई थिंक 4 या 5 ही लोग दिखे हैं। आसमां खुलने लगा है, जमी पिघलने लगी है, वावा वावा। आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। श्री राम श्री डलवा लिया हमने पेट्रोल। पेट्रोल यहाँ पे है 37/3 = 12, 40-45 रुपये, सेम एज मलेशिया। अरे बहनचोद बारिश हो गई, अरे बहनचोद बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई। व्हाट द फक, सब लौट के वापस जा रहे हैं। आगे बारिश नहीं हो रही थी, इधर बारिश होने लगी। आई थिंक एंटी बजाने पड़ेगा। हेलो, यू हैव कॉफी? अचानक से ऐसे बटन चला दिया हो, ऐसे बारिश चालू हो गई है। एंटी ने बुलाया। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया भाई? अजीब और गरीब मौसम, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और काफ़ी कूल होटल है आंटी का तो। पॉपुलर इंस्टाग्राम प्लेस लग रही है तो। काफ़ी रैंडम कपल यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं। एक फोटो अनुजा जी के लिए, हमारे दिल के साथ जो इतना बड़ा है। जगह तो काफ़ी सही है, पर वो वाला पार्ट बहुत सही लग रहा है। अभी कॉफ़ी पी के जाते हैं उधर। तो यहाँ पे हर जगह ही ऐसा पूरी राइस टेरेस साइड में कैफे कूफे बन गए हैं। सारे कैफे ने ऐसे स्विंग कुछ कुछ टाइप की चीज़ें जो इंस्टाग्राम पे चलती हैं वो लगा दी हैं। सही है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। बिजनेस इज़ बिजनेस एंड एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट, है कि नहीं? तो मैं 2016 में उबुद आया था ना, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज ये इतना ज़्यादा टूरिस्टी जगह है। मतलब मैं जब ये तगलंग राइस टेरेस तब भी आया था, इंस्टाग्राम भी इतना बड़ा नहीं था उस समय। ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई थिंक बारिश में थोड़ा सा यही फाइट है, इसीलिए लोग नहीं है शायद। ओह ये तो एंड हो गया, देयर इज़ नो वे। हाँ तो मैं 2016 में आया था ना, तो अभी क्या है कि अब थोड़ा सीजन ट्रैवलर भी है और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम है, और पता है कि ये टूरिस्टी है, ऐसे कुछ सरप्राइज़ नहीं है ना। और आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि दोनों साइड ऐसे कैफ़े कूफे होंगे, तो पूरा जो राइस टेरेस है ना, लाइन से हर जगह कैफ़े ही कैफ़े हैं, और कैफ़े हैं, पार्किंग है, मतलब रोड से तो आपको राइस टेरेस दिखेगी ही नहीं, ऐसा सीन है। यही बारिश में हर जगह कीचड़ कीचड़ है, तो थोड़ा स्लिपरी हो रहा है।
मैं सोचा नहीं था कि अगर मैं बाली आया दोबारा तो उबुद आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था पिछली बार, बट मैं जानबूझ के आया एंड आई एम गोइंग टू ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस ओनली जस्ट टू सी कि विद अ डिफरेंट माइंड सेट कि सीन क्या है वहाँ, कैसे गया है लोग। बट आई थिंक ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है बिकॉज सेम ही है। राइस टेरेस तो क्या अलग दिखेगी, राइस टेरेस तो वियतनाम में है जो बेहतरीन वाले हैं, गर्ल्स आ रही हैं फोटोशूट के बाद। तो ओवरऑल तो सही है, मतलब यू कैन वॉक ऑल अराउंड द टेरेसेस, ऊपर बैठने हटने वाला भी कुछ दिया है। आई थिंक अगर आप सुबह आओगे तो देखो बहुत कम लोग हैं, मतलब 2-3-4 लोग हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था ना तो हर जगह लोग भरे हुए थे, इसीलिए मैं काफ़ी ऑफ हो गया था। आई थिंक अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि दोपहर में तो वैसे भी गर्मी होती है, आज थोड़ा मौसम सही है। तो बेसिकली स्विंग में ऐसा सीट बेल्ट टाइप बांध देते हैं और एक आदमी पीछे धक्का देता है और आप टेरेस आइस टेरेस के बीच में, ऐसा लगता है 100 रुपए का शानदार एवोकाडो शेक और प्राइसलेस व्यू, पूरा ही भीग गए। ऐसे अचानक से बारिश होती है ना यहाँ पे, नल चला दिया जैसे। पूजा हो रही है यहाँ पे, गंगा जल भी चढ़ रहा है, गंगा जल नहीं मतलब बाली जल, सामा बट डिफरेंट। हेलो और नमस्कार, अनदर डे इन बाली। हम हैं उबुद में और सुबह का बज रहा है आई थिंक 11 बज रहा है। आज का कुछ प्लान पता नहीं है, चेकआउट करना पड़ा और होटल सोल्ड आउट है। यहाँ पे 3 ही रूम है, 3 ऐसे कॉटेजेस हैं, बट बहुत ही शानदार होटल, बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट और सिर्फ 1400 रुपये में, वेरी गुड ROI। तो बाली में देर आर मोर देन 10,000 टेम्पल्स, तो काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, काफ़ी इंस्टाग्रामेबल मंदिर भी हैं, बट वहाँ पे तो आई एम श्योर काफ़ी लाइन वाइन होगी। तो फॉर नाउ मैंने अभी एक जो सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का बैसाखी टेम्पल है, उसके रास्ते में 2 चीज़ें और आती हैं, तो वो एक ऐसा मैप बना लिया है, तो उस रूट पे जाते हैं। आई थिंक मेन मोटिव वही है, स्कूटी राइड विच इज़ द मोस्ट फन पार्ट। तो ऐसे घूमते हुए जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। 1, 2, 3, 4, 7, ये हमारे मैप में नहीं है, रैंडमली रास्ते में दिखा, सही लग रहा था तो मैं रुक गया। गुड वाइब्स ओवरऑल, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बीच में बूंदाबांदी हुई थी बट अगर तेज बारिश होगी ना तो वी हैव नो प्रोटेक्शन एंड वी डोंट इवन हैव अ होटल रूम, तो दिन भर गीले कपड़ों में घूमना पड़ेगा। मारियो चाले ब्रो चाले ब्रो चाले 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 भाई के। तो काफी बड़ा मंदिर लग रहा है, पार्किंग तो काफी बड़ी है। लेट्स गो टू द होली स्प्रिंग तीर्था एम्पल तंपा सिरिंग। 50,000 का टिकट ले लिया गया है, 50,000 इज 250 रुपये। Forbidden to enter without wearing sarong. Okay. Sarong, I think, is the lungi. It is prohibited to enter without decent dress. Okay. Wear a short or long pant. For men and women with long hair, you have to tie your hair. Ladies, stay away during your period. Lungi to pehen li humne. Joote shayad utarne nahi hai. To dekhte hain temple mein kya hai. टेम्पल तो बहुत बढ़िया है, आगे सबका ऐसा ओल्ड रस्टिक लुक है। जितने भी टेम्पल है ना पूरे बाली में टेम्पल ही टेम्पल है, लाइक हर जगह आप देखोगे ना गजबी टेम्पल है, और काफ़ी यूनिक सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंपेयर टू टेम्पल्स इन इंडिया। देखो चाइनीज साले, तो सब पता कर लिया हमने। इस टेम्पल का नाम है तीर्था एम्पल टेम्पल, और तीर्था एम्पल लिटरली ट्रांसलेट्स टू होली स्प्रिंग, और ये टेम्पल 10th सेंचुरी में बना था, और ये विष्णु जी का टेम्पल है। विष्णु जी हमारे CEO का भी नाम है, बट हाँ विष्णु भगवान के लिए ये टेम्पल डेडिकेटेड है। और बेसिकली यहाँ पे क्या सीन है, ये वैसा हाल है जैसे हरिद्वार वगैरह में जाते हैं ना अपन गंगा नहाने, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वहाँ पे काफ़ी फ्रेश वाटर आता है, और वो बेसिकली इट इज़ सपोज टू प्योरीफाई यू सिमिलर टू गंगा जल। यहाँ पे अंग्रेजों ने लगता अपने पाप धो लिए, अंग्रेजों ने तो बहुत पाप किए हुए हैं, फूल वूल चढ़ाए जा रहे हैं भगवान को। दिस इज द फाउंटेन, अच्छा कोई भी ना सकता यहाँ, उसकी याद आ गई, ये सनी सिग्नापुर मंदिर की। जूतों वाला सीन सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सब गीला है और सब यहीं पे जूते चप्पल उतारेंगे और पैर भी गंदे हो जाएंगे, और फिर कीचड़ वाला पानी में जाएगा, तो पाप तो धुल जाएंगे मगर फिर घर जाके फिर से नहाना पड़ेगा।
इधर से आप एंटर किए तो पहला, दूसरा, तीसरा, एंड देन यू कीप गोइंग। इंटरेस्टिंग। तो अगर आप बाली आए घूमने और बाली में आपने बहुत सारे पाप किए हैं तो आप यहाँ आके अपने पाप धो सकते हैं। हमने तो नहीं किए तो हम नहीं धोएंगे। हेलो, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम। होली वाटर या ड्रिंकिंग वाटर? ओके, कम्स फ्रॉम द वोल्केनो? या फ्रॉम द वोल्केनो। वोल्केनिक एश, वोल्केनिक सैंड्स। या या, नो दिस इज नॉट फ्रॉम द वोल्केनो, जस्ट फ्रॉम द ग्राउंड। या या, बट फ्रॉम द वोल्केनो वी हैव इट, बट हॉट वन। या या, ओके। आई थिंक ये मेन टेंपल है, बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला मेन मेन है, बट सारे मेन है। सही है, मतलब नाइस, फैमिली फ्रेंडली भी। परिवार के साथ काफ़ी लोग आते हैं ना, परिवार के साथ आ रहे हो, मम्मी तो खुश हो जाएंगी, अरे वाह विष्णु जी का मंदिर। बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद और मिल जाता, प्रसाद तो मिलना चाहिए मंदिर आए तो, है कि नहीं। जो घाघरा खुल गया एक गोगो जी का, कैंटीन में मस्त नॉन वेज मिल रहा है, ऐसे होना चाहिए ओपन। आई एम गोरेंग मेंतेंगा, प्रसाद तो नहीं मिल रहा है, फ्राइड चिकन ही खा लेते हैं। माथे पे लाइन है छोटी सी, टेंशन नहीं है रोटी की, खाने का बिल लगे ओटीपी, ये ले प्रोटीन पी फटाफट। क्या बना दिया गूगल मैप ने, पहले जो बरसात की बारिश में कहीं और भेज दिया, पूरा भीग गया बारिश में। फोन में पानी चला गया लग रहा है। 50,000 का टिकट है, देखते हैं ऐसा क्या है 50,000 का। यहाँ पे कुछ भाषा में लिखा था बट एक वर्ड इंग्लिश में था, वो था प्री वेडिंग, तो आई थिंक यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए लगाते होंगे। विलेज तो बाद में देखेंगे, पहले हमको मिल गया है वारुंग, और वारुंग देवी नाम है इसका, देवी रेस्टोरेंट, तो पहले उस खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। डूरियन को हमेशा बचा के रखें, पहली बार लाइफ में हॉट ऑरेंज जूस। वी हैव हार्ट शेप राइस, फ्राइड फिश विद बालीनी स्पाइसेस एंड वेजीज। अरे बाप रे, गजब ही भीड़ होगी भाई ये तो। सो बेसिकली ये इनका जो विलेज है, इनकी जो कम्युनिटी है, जो मैंने विकिपीडिया में पढ़ा, तो इन्होंने अभी भी जो ट्रेडिशनल तरीके है उस तरीके से रह रहे हैं। दैट इज़ वाई यू डोंट सी अ लॉट ऑफ, अरे एक्चुअली कोई बिजली का खंभा भी दिख रहा है, तो पूरा घर वर भी पुराने तरीके से बने हुए हैं। ऑल्सो एक और चीज़, ये थर्ड क्लीनेस्ट विलेज है दुनिया में, जैसे अपने मेघालय में ना चेरापुंजी के पास वाला, आई थिंक वो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया और समथिंग है। यहाँ भी अंदर रेस्टोरेंट है, ये ऐसे घर बने हुए हैं, सबकी एंट्री सेम है, अंदर थोड़े अलग है। यहाँ भी अंदर कॉफ़ी शॉप है। ओके यार, चलो अब चलते हैं। तो बाली का यही प्रॉब्लम है मेन, कि यहाँ पे स्कैम इतने ज़्यादा है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल इन बाली। बट यहाँ पे जैसे मैं पार्किंग पे पहुँचा ना, ऐसा लाइन से ऐसे 25 लोगों ने घेर लिया, और वही कह रहे कि ऐसा बिना टिकट लिए जाने ही देंगे, और पार्किंग के लिए भी पैसे दो, और सारोंग के लिए पैसे दो, ये सब दो। तो मैंने बोला जो ऑथोराइज अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है उससे मैं बात करूँगा, आपसे तो बात नहीं करूँगा। तो फिर कह रहे हैं नो यू गो बैक, यू डिसरेस्पेक्ट आवर गॉड, ये वो ये तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, हमारे तुम्हारे गॉड एक ही है, तो हमको तो तुम्हें ज्ञान ना दो। तो मेरा हो गया था, मतलब मैं कहा छोड़ो भाई, देखना ही नहीं, मतलब ऐसा क्या ही है, मतलब मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। ये है टेम्पल, टेम्पल तो तक तो हम आ गए, बिना टिकट के आ गए। वियर्ड। सो आई थिंक वो इसलिए गुस्सा थे कि नीचे ही सब लोग को रोक देते हैं वो स्कैमर्स लोग, और टिकट वहीं से लेना पड़ता है, ऊपर तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। सो अपेरेंटली वो गलत एंट्री थी, यहाँ पे है टिकट काउंटर। 60,000 का टिकट, 60,000 कितना हुआ, 320 रुपये। तो स्कैमों से बचते हुए हम चेक पॉइंट पे आ गए हैं, और यहाँ पे सब सारोंग बेचते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली इंक्लूडेड इन द टिकट। दिस इज द टेम्पल, लग तो बढ़िया रहा है, काफ़ी सुंदर है, मतलब नो डाउट सुंदर तो है, अभी ऊपर जाके देखेंगे, ऑल दो ऊपर से देख लिया था थोड़ा बहुत। ये वाले स्ट्रक्चर बड़े से लगते हैं बाली में सारे टेंपल्स में। तो ये प्रेयर एरिया है, यहाँ पे विजिटर्स को मना है, बट वहाँ पे तो एक इंडियन कपल दिख रहा है, क्या हिंदू अलाउड है, क्या देखेंगे, आधार कार्ड। तो ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा तीनों हैं इस मंदिर में, एंड इट इज़ द मदर टेंपल। फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बढ़िया है, बट हम कैमरा तो लेके आए नहीं।
ये ऐसा एक वोल्केनो के बगल में है, विच आई थिंक इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता है। और पीछे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई एंशिएंट चाइनीज सिटी टाइप की है, इंडियन एंड एशियन फ्यूजन, परफेक्ट। ये तो बहुत ही सही यार, ये ऐसा कुंग फू पांडा टाइप, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये बैक साइड है सारे मंदिर की, ये तो साउथ इंडियन टाइप लग रहा है मंदिर विदाउट द कलर्स। तो सही है, वो भाई बता रहा था, मैं सुन रहा था, वही जैसे अपने यहाँ ना क्षत्रिय ब्राह्मण वैसा वाला डिवीजन कास्ट वाला, सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम है, था, है, मतलब सेम एज इंडिया। ये बता रहा था बैसाखी इज एक्चुअली नागा द स्नेक, जो शिवा वाला स्नेक है। तो आगे एक और टेम्पल है विच इज ओल्डर देन दिस, 8th सेंचुरी में बना था, दैट इज आई थिंक द फर्स्ट टेम्पल कह रहा था। अब वो तो कहाँ ढूंढेंगे इस समय। नो आई एम ओके, थैंक यू मगसी। बहुत बढ़िया मंदिर, तो बहुत बढ़िया है मंदिर, एक्चुअली सारे बढ़िया थे। काफी ऐसा वाइब है मंदिरों में ना, देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी है इफ यू इग्नोर द स्कैम्स, बट देयर आर मोर देन 10,000 टेंपल्स इन बाली। तो ये तो सबसे बड़े हैं, बट हाँ अगर आपको थोड़ा सा मंदिर और हिस्ट्री एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट हो तो काफी सारे मंदिर है यहाँ पे। हेलो, काफी भव्य मंदिर है, पीछे एक्चुअली वोल्केनो है, वो पूरा दिखता था तो बहुत ही शानदार होता। कट 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 कट